बड़ी दूर से लेने के लिए। कहाँ से आए? असी डिफेंस से आए। अच्छा, आपने इनको बताया कि हम डिफेंस से आए? बताया, इस वजह से महंगा कर दिया। तभी आप बताते ना कि मैं किसी झोपड़ी से आया हूँ। झोपड़ी का नहीं बताया ना। तो अपना कल्ले का ट्राउजर 700 रुपए दा है, नाल बेगम दा आया। फिर तो इसके दोनों जो साइड है इनका मतलब क्या होता है? एक का होता है मैयर करना और दूसरा वैसे दिया है उसने। उधर से थोड़ी देर के लिए कहो भाई मैं इंटरव्यू दे के वापस दे दूंगा। नहीं नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी है। कितने की ली है? ये मैंने ली है 200 की। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करंट एनएन और मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा बट नज़रीन। यूँ तो हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया या आपने कभी सोचा है कि एक चीज़ ऐसी है जिसको खाने से पहले हमें रोना पड़ता है? तो आज का हमारा सवाल भी यही है, तो हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ चलते हैं, जाकर जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसको खाने से पहले रोना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? हाल ठीक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या शॉपिंग कर रहे हैं? बस यार ट्राउजर खरीद रहे हैं। अच्छा, ट्राउजर बड़ी है, क्या करें? कितनी महंगाई होगी? बड़ी महंगाई है, ट्राउजर का 2000 मांग रहे हैं, क्या करें? इस ट्राउजर का ट्राउजर भाई, इसको क्या लगाया आपने? कौन सी सोना चांदी हीरे जवाहरात लगाए हैं आपने? सोना चांदी भी सस्ता हो गया, ट्राउजर महंगे हो गए क्योंकि इसकी ज्यादा जरूरत है। अच्छा बताएं, बड़ी दूर से लेने के लिए। कहाँ से आए? असी डिफेंस से आए। अच्छा, आपने इनको बताया कि हम डिफेंस से आए हैं? बताया, इस वजह से महंगा कर दिया। तभी आप बताते ना कि मैं किसी झोपड़ी से आया हूँ। झोपड़ी का नहीं बताया ना। फिर कुछ होता। अच्छा बताएं, ठीक है, चलो देखते हैं फिर। अच्छा बताएं कि वो 700 में भी देखते हैं, अभी ये बताएं अब क्या करें हम? ठीक है जी, 700 वैसे अब उन्होंने कह दिया, अब आप देख लीजिएगा, अब तो मुनासिब है। 1000 से सीधा 300 पे उन्होंने लगा दिया। बताएं वो कौन सी चीज़ है जिसको खाने से पहले रोना पड़ता है? सोचे तो सही। प्याज रोना पड़ता है? असी तो नहीं रोते कभी, जो भी चीज है खा ले कभी नहीं रोए नहीं, सारा कुछ खा लेते हैं, खा लेते नहीं, कोई चीज आया जड़ी नहीं खाने वाले। तो रोते नहीं है फिर? मैं नहीं खाना। रोते हैं? कौन सी ऐसी चीज है घर के अंदर, जैसे बैंगन हो गए, बैंगन से वहां बहुत चीज है। आप बताएं आपके ख्याल में वो कौन सी चीज है जो आपको खाते हुए रोना आता है? प्याज है कोई, प्याज काटते वक्त भी और खाते वक्त भी आता है। प्याज की तरह ब्याह करता ना और रोता है आजकल महंगाई है, शादी जो करता है उसको करता है ना, उन्होंने रोना आता है क्योंकि महंगाई बड़ी है ना। तो महंगाई से शादी का क्या लेना देना? खर्चे ऐसा शुरू ही खर्चे तो फिर रोना ही पड़ता है, रोना ही पड़ता है। अभी अब शादी को कितना अरसा हो गया? शादी अभी करनी है, सोच रहा हूँ करूँगी। उससे पहले ही रो रहे हैं तो फिर क्या फायदा? पता लग रहा है ना, पता लग रहा है ये ट्राउजर नहीं, तो आड़ी अपना कल्ले का ट्राउजर 700 रुपए दा है, ते नाल बेगम दा आया ते फिर तो बड़ा महंगा काम। वो कुड़ियां दे ते फैशनेबल होंदे होर भी महंगा, रोना ही पड़ेगा ना। दीवारों में मुंह दे के रोएंगे, खुश तो करेंगे फिर। नहीं भी बेगम आ जाएगी बेगम के साथ। अच्छा जी, ऑल द बेस्ट। क्या हाल है? ठीक। क्या करते हो? काम। कौन सा? गारमेंट्स का। गारमेंट्स का। ये एंची टेप क्यों स्टाइल से लटकाया है? ये मैयर करते हैं इंची शेप के। किसको मैयर करते हैं? बंदों को के कपड़ों को? कपड़ों को। कपड़ों को कैसे मैयर करते हैं? देने से पहले जी मैयर करना आता है जी। इसके दोनों जो साइड है इनका मतलब क्या होता है? एक का होता है मैयर करना और दूसरा वैसे दिया है उसने। दूसरा वैसे ही दे दिया। ये इंची टेप बनाने वाले ने आपको बताया था कि खुद से अंदाजा लगाया? खुद से अंदाजा लगाया। अच्छा बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसको खाने से पहले रोना पड़ता है? नहीं पता, सोचो तो सही। दिन में कितना कुछ होता है खाने का, सोचो। नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है। क्यों इतना थक हार के बैठ गए? ये थक हार के इसके शूज नहीं मिल रहे, जिंदगी से ही थक। नहीं, शूज ढूंढते ढूंढ ऐसी बात। कितने टाइम से घूम फिर रहे हो कि इतना ही थक गए हो बिल्कुल ऐसे? सुबह से। कौन सा जिन्नों वाला कोई साइज है जो मिल नहीं रहा? क्या साइज क्या है? 43 दिखाना जरा, ये 43 वाला पैर है, इतना बड़ा पैर किसने कहा था इतना बड़ा पैर? आप खींचिए। अच्छा 43 में 43 वाली प्राइस ही है फिर, कितने का दे रहे हैं? ये तो प्राइस इनकी डिफरेंट है प्राइस। अभी आपका जो 43 वाला साइज का शू है वो कितने में आता है? 3000। बताओ एक कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको खाने से पहले रोना पड़ता है? खाने से पहले रोना पड़ता है? नहीं। खाना खाते नहीं? खाता हूँ। दिन में कितनी चीज़ें खाते हैं हम? उनमें से एक चीज़ ऐसी है जिसको खाने से पहले हमें रोना पड़ता है? मैं बता दूँ? चलो इसे पूछो। हाँ जी, ये इनसे जानते हैं, आपके दोस्त हैं? जी जी, कज़न है मेरे। अच्छा कज़न है, आप बताओ।
जूते खाने से पहले रोना पड़ता है। खाते हो जूते डेली बेसिस? खाते नहीं वैसे, बचपन में जब होते थे तब खाने से पहले रोना पड़ता था। तो वो तुम खाने के बाद रोते हैं? नहीं, खाने से पहले भी डर होता है अम्मा का। आपको कभी जूते नहीं पड़े? पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुशी खुशी स्माइलिंग फेस के साथ खाते थे, कभी नहीं रोए? रोता है बंदा वो तो फिर। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्लासेस कहाँ से ली हैं? ये बस सामने खड़ा हुआ ब्रांड, उधर से थोड़ी देर के लिए क्या भाई, मैं इंटरव्यू दे के वापस दे दूँ? नहीं नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी है। कितने की ली है? ये मैंने ली है 200 की। इतनी सस्ती, इतनी लिशकारे मारती हुई है ना, कितनी सस्ती। बस मिल गई चीज़, अच्छी लगी तो ले ली। अच्छा बताओ कि कौन सी चीज़ है जिसको खाने से पहले रोना पड़ता है? खाने से पहले रोना पड़ता है? रोना पड़ता है क्या बताऊँ, खाने से पहले रोना पड़ता है? मार। अभी भी खाते हो मार? नहीं नहीं, वैसी बात तो ही आपको। ये कौन सी वाली मार है? ये धोखे वाली मार है, ये जूतों वाली मार है, डंडों वाली मार है, कौन सी मार है? ये डर वाली मार है। अंदर वाली मार? अंदर वाली कौन सी मार? अंदर नहीं, डर डर डर। डर वाली मार? डर डर कौन सा है? एक इतराम भी होता है ना, मैं वाली साहब जब मुझे देखते कोई ऐसी हरकत वो भी हो जाती है जिसपे वाले साहब नाराज होते हैं, तो मैं भी रोने की एक्टिंग कर देनी, उन्हें तो आ जानी है, फिर वो हाथ नहीं उठाते। ऐसे काम ही क्यों करती हो कि जिसपे रोना पड़े? नहीं पता, हो जाते हैं, अब इंसान है, जवानी है, हो जाते हैं, आपको पता है। जवानी डुल डुल के बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, तो जुतियाँ खा के सीधी हो जाती है। हाँ ऐसी है, वाले साहब है ना, उनके उसके अलावा और कोई डर डुर नहीं है। वालदा बचाती नहीं? वैसे तो वालदा बीच में कूद आती होती है बेटों को अक्सर, पड़ी तो बचाती है। अच्छा, लेकिन कभी वालदा के सामने ना हो तो फेंट के अच्छी खासी पड़ती है फिर? नहीं, फिर वाले साहब जो भी उन्होंने मुझे कहना होता है वालदा वालदा को कह देते हैं, तो वालदा के थ्रू मुझे आगे मैसेज मिल जाता है। तो आप कहते हो अच्छा ठीक है, खैर है, नेक्स्ट टाइम फिर मैं यही करूँगा। हाँ फिर यही करूँगा, ये बात कह के बात खत्म हो जाती है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, ये भाई से भी जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा भाई बताओ, वो कौन सी चीज़ है जिसको खाने से पहले रोना पड़ता है? सोचो तो सही। बताओ कौन सी चीज़ है जिसको खाने से पहले रोना पड़ता है? खाने से पहले रोना पड़ता? सोचो तो सही। नहीं आईडी। आप बताएं भाई कौन सी चीज़ है जिसको खाने से पहले रोना पड़ता है? रोना पड़ता है मिर्च। मिर्च खाने से पहले रो पड़ते हैं? हाँ जी, अब देख के रोना पड़ जाता है। कि जब इसको खा के फिर भी रोना है, उसको देख के बंदा रो ले। जो वाला नाना खाए, सादा सादा खा ले। आपने सवाल ही जो सा किया, मैंने तो आपको वही सवाल का जवाब देना। नहीं वैसे मिर्ची जो है वो रूटीन का हिस्सा होती है, लेकिन रेगुलरली तो नहीं यूज कर सकते? रेगुलर नहीं है ना। हाँ जी। तो हंसते हुए कभी नहीं मिर्ची खाई? हंसते हुए कौन खाता? मैं खा लेती हूँ। हंसते हुए नहीं खाते इनसे जानते हैं। आप बताओ भाई कौन सी चीज़ है जिसको खाने से पहले रोना पड़ता है? रोना पड़ता है प्याज। प्याज कटते हुए भी रोना आता है? खाने से पहले रोना ही आएगा, जब वो कटिंग करेंगे तो पक गया, फिर कौन सा रोना? प्याज पका नहीं, अभी कच्चा ही है प्याज। कच्चे को छोड़ देना, आपने काटा, खाया आपने कब? जब बन गया? नहीं बना नहीं, काट के खा लिया मैंने। काटा और मैंने खा लिया। कैसे आप जल्लाद टाइप के इंसान है, काटते खा। प्याज जो है वैसे भी जो है वो कच्चा खाने से जो है उसके फायदे हैं। क्या फायदे आज हम प्याजों के फायदे बता रहे हैं? बहुत से फायदे हैं। जैसे एक फायदा बताओ जो बड़ा मुफीद हो। बड़ा मुफीद मर्द के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। सारे मर्द हजरात मुतवज्जे, बहुत अच्छी चीज़ है। पाक याली बाचा का फरमान है कि दोपहर के खाने में जो है मर्द अगर प्याज का इस्तेमाल करे तो उसके बहुत से फायदे हैं। आप रोज़ खाते हो? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ खाते हैं। मौला पाक का फरमान है तो ये रोज़ खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? शुक्र है। भाई आप बताओ मुझे कौन सी चीज़ें जिसको खाने से पहले रोना पड़ता है? अभी भाई ने आपसे वही तो भाई का ओपिनियन था ना, आप बताओ आपके ख्याल में क्या है? नहीं अब बंदा हर चीज़ पहले रोए फिर खाए उसे। हाँ जी, चीज़ खाने से पहले रोते हो? पहले रोना पड़े, पहले बंदा रो ले फिर उसे खा ले। आराम से खाया जाता है फिर रो के चीज मिल जाती है? मम्मा दे देती है मुझे। आप करते ही ऐसे शुरू से? ऐसे थोड़ा भी नहीं अपने आप में बदला ले जी। ये वो वाहिद इंसान है जो हर चीज़ खाने से पहले रोना डालते हैं कि मैंने ये चीज़ दो तो मैं खानी है, तो फिर इन्होंने वो चीज़।
तो फिर इन्होंने वो चीज़ मिलती है कि हमने ये पूछा था कि कौन सी चीज़ है जिसको खाने से पहले रोना पड़ता है। मोस्ट लोगों ने कहा मिर्ची है, मोस्ट लोगों ने कहा कि मार है जो खाने से पहले रोना पड़ता है, लेकिन इसका सही जवाब एक ही बंदे ने दिया जो कि है प्याज। तो प्याज खाने से पहले आपको रोना पड़ता है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर हाँ तो नीचे देखिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे इजाज़त मिलेगी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।